2023 21 से 29 तक होगा, जिसका ओपनिंग इनागुलर सेरेमनी पार्क होटल में होगा जहां स्पीकर सब आ रहे हैं। 27 में कल्चरल ओपनिंग सेरेमनी होगा सीओड ग्रैंड सेंट्रल मॉल में। इसमें 22, 23, 24, 25, 26 सारे हर जगह पे छोटे छोटे प्रोग्राम्स होंगे। उसमें दो प्रोग्राम स्पोर्ट्स का रहेगा जहाँ हॉकी टूर्नामेंट और फुटबॉल टूर्नामेंट होगा। और ये 27, 28, 29 सीओड ग्रैंड सेंट्रल मॉल में हमने प्रयास कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब को लाने के लिए, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर साहब को लाने के लिए। और ये 27, 28 में 29 में 14 स्टेट का कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम होगा, ट्रेडिशनल फैशन शो भी होगा। इसमें करीब 70 इवेंट्स होने वाले हैं और इसमें फूड, लिटरेचर, आर्ट, उसके ऊपर प्राधान्य दिया जाएगा। यस, यहाँ सारे लोकल रेजिडेंट्स जो है उनको यहाँ प्राधान्य दिया गया, तो इसके लोकल लोगों को प्राधान्य दिया गया। और यहाँ महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र की टीम जो है सारा स्टेट को होस्टिंग करेगा फर्स्ट डे 27 को। इसका मकसद ये है कि हमारा नवी मुंबई को भारतवर्ष में बेस्ट कल्चरल सिटी डिक्लेयर करने का हमारा इच्छा है। जैसे स्वच्छ भारत में हमारा नवी मुंबई आगे गया है, प्लस वर्ल्ड में बेस्ट एक फेस्टिवल, जैसे इंटरनेशनल फेस्टिवल जैसे दर्जा देने की भी इच्छा है। ओपनिंग सेरेमनी में इनॉग्रल पार्क में हमारा स्पीकर साहब आने वाले हैं, मिस्टर नार्वेकर साहब, एंड यहाँ के लोकल MLA, MP और सारे यहाँ के जो लोकल लीडर्स है वो लोग आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पूरे प्रोग्राम में दिखने जा रहा है, देखने मिल रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना आने के लिए हमने सारा पॉलिटिकल पार्टी को बुलाया गया है। यहाँ सारे छोटे बड़े जितने सारे पॉलिटिकल पार्टी है उनका लीडर को बुलाया गया। इसका कारण भी है कि नवी मुंबई शब्द से सारे पॉलिटिकल लोगों की जागृति बढ़ गई और सबकी इच्छा हो गई जुड़ने के लिए। हम भी चाहते हैं कि हर वर्ग यहाँ से जुड़े, कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे अछूत नहीं है। सब पॉलिटिकल पार्टी छोटे बड़े जो भी है हमारे लिए, उनको हम निमंत्रण करते हैं और उनको जितनी हमारा शायद इच्छा हुई और जितनी हमने प्रयास किए उनको जोड़ने के लिए, सबको जोड़ने के लिए हमने प्रयास किया है। और आगे कोई भी आएंगे हम उनको जोड़ेंगे। मेरा नाम RK महापात्रा।